बॉस सीजन 18 के घर में विवेन डिसेना ने तोड़ी अविनाश मिश्रा से दोस्ती। अविनाश को लेकर विवेन ने कही बड़ी बात, घर वालों के सामने लगा दी अविनाश मिश्रा की क्लास। ईशा और अविनाश से टूट गया विवेन डिसेना का दिल। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का घर इस समय अखाड़े का मैदान बन चुका है। यहां पर रिश्ते टूट रहे हैं और कुछ समीकरण बैठ रहे हैं। वो लोग जो पहले दुश्मन हुआ करते थे वो आज कैसे बन रहे हैं दोस्त? आखिर क्या किया है बिग बॉस ने बड़ा गेम जिसके बाद बदल गए हैं विवेन डिसेना के समीकरण? क्या विवेन ने अब ठान लिया है कि छोड़ेंगे अविनाश और ईशा का साथ? आखिर क्या अविनाश और ईशा वाकई में दे रहे हैं विवेन को धोखा, या फिर ये है दोस्ती निभाने का एक नया तरीका? तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का घर इस समय नॉमिनेशन में, जब नॉमिनेशन की बात आई तब विवेन को नॉमिनेट किया गया था अविनाश की तरफ से। नॉमिनेशन से बचने का टास्क था लेकिन विवेन को नहीं बचाया गया। टाइम गॉड बनने का टास्क था लेकिन विवेन को नहीं बनाया गया। अविनाश मिश्रा ने एक बार नहीं, तीन बार गलतियां पे गलतियां की हैं, और ये गलतियां करने के बाद ईशा सिंह से जाकर यह भी कहा है कि अविनाश और ईशा को अब विवेन से दूरियां बनानी चाहिए, अब अपने गेम पर इंडिविजुअल टारगेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कैरेक्टर बन गए हैं, साइड कैरेक्टर बन गए हैं। और आई एम अ हीरो, आई एम नॉट अ साइड कैरेक्टर, अविनाश मिश्रा ये बातें खुद कहे हैं ईशा सिंह से। अब विवेन डिसेना ने जैसे ही नॉमिनेशन से सेव का टास्क खत्म हुआ, अविनाश पहुंचे विवेन के पास और ये कहा कि भाई सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं चाहता था कि तुम्हें मैं सेव करूं, लेकिन ईशा ने वहां पर तुम्हारा फोटो फ्रेम लाने में देरी की और ये मैं अपने हाथ मेरे बंधे हुए थे, मैं मजबूर था क्योंकि मुझे जो पद दिया गया है मैं वहां पर अनफेयर नहीं हो सकता। विवेन डिसेना ने कहा कि बस अविनाश, अब खत्म हो चुकी है हमारी दोस्ती, मुझे पता चल चुका है, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके लिए कितना लॉयल है। मैंने तुम लोग को एक बार नहीं कई बार सेव किया है, कई बार बचाया है। अरे तुम लोग के लिए तो मैंने करणवीर के साथ भी पंगे लिए, मैंने शिल्पा जी के साथ भी रिश्ते तोड़े, वो शिल्पा जी जो डे वन से मेरा फेवर करती थी आज भी मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईशा को बुरा ना लगे, अविनाश को बुरा ना लगे, क्योंकि मैं उनके ग्रुप का हिस्सा था इसलिए मैंने तुम लोग का साथ दिया और तुम लोगों ने क्या किया, मुझे ये अविनाश तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। विवेन डिसेना का फूटा है गुस्सा अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह पर। विवेन ने कहा कि ईशा जो है वो मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, सिर्फ वो रोने का नाटक कर रही है कि वो विवेन को नहीं बचा पाई, जबकि ईशा खुद नहीं चाहती थी कि विवेन डिसेना सेव हो। ईशा और अविनाश, तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा है। अब रजत दलाल ने खोली है विवेन के सामने अविनाश की पोल और ये कहा कि अविनाश बिल्कुल भी नहीं चाहता था विवेन की तुझे वो सेव करे, इसलिए वो लगातार बार बार फेयर होने का नाटक कर रहा है, झूठे वादे कर रहा है। पहली बार विवेन डिसेना ने दिया है अविनाश और ईशा का नहीं करणवीर मेहरा का साथ। सारा की लगाई है जमकर क्लास। विवेन ने सारा को कहा कि सारा तो क्या तमीज है, क्या वो एक्टर है, और वो एक्टर होने के साथ साथ एक्टर के लिए फेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, शायद ये बात तुझे नहीं पता चलेगी। करणवीर, मैं समझ सकता हूं कि तेरे साथ गलत हुआ है और वीकेंड के वार पे हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। करण ने कहा है कि हम लोग एक्टर हैं और हम लोग 20 साल तक अपने अपने आप को दे सकते हैं, वैसे वाले एक्टर नहीं, हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस पाना है, सक्सेसफुल एक्टर बनना है। अब यहां पर करणवीर का पहली बार साथ दिया है विवेन डिसेना ने, जब करणवीर पर हाथापाई हुई रजत दलाल के साथ तो रजत की क्लास लगाई और अब सारा की क्लास लगा दी है विवेन ने। तो समीकरण देख रहे हो आपकी कैसे बदल चुका है। अब विवेन डिसेना जो करणवीर से जेलस थे, जो करणवीर के साथ नहीं खड़ा होना चाहते थे, आज वो करणवीर की तारीफ भी कर रहे हैं और अविनाश की पोल भी खोल रहे हैं। अविनाश को लेकर अब सतर्क हो चुके हैं विवेन डिसेना। विवेन को अब पता चल चुका है कि अविनाश और ईशा से जितनी दूरियां बनाई जाए उतनी अच्छी होगी विवेन डिसेना के गेम के लिए। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में, विवेन का ये जो डिसीजन है क्या ये बेस्ट डिसीजन है, मास्टर स्ट्रोक है, या फिर आपको लगता है कि जी नहीं, विवेन को अविनाश और ईशा को साथ लेकर चलना चाहिए? मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।